लगा सरवरी दर दीने वा खिदमत करियस अदले फारूकी और फकरे हैदरियस। बस इकबाल कहता इस्लाम में बादशाही का इतना ही तसव्वुर है, मौला अली जे फकर होवे ते फारूक आजम जे अदल। ये नहीं कि भूर बन मुल्क दा हुकमरान हरीसा खा रहे होवे ते दही मुक जाए ते स्पेशल त्यारा लाहौर दही लैन आवे। हाँ ये नहीं होना। जब इस्लाम होएगा तो फिर हजरत फारूक आजम जो मुल्क शाम जा रहे सन ना बैतुल मुकद्दस जा रहे सन, शाम हजरत अबू दरदा जड़े सन एक काजी उल कुजात सन साहबी, आप इन्हों के मेहमान रहे ते आपने फरमाया रोटी लियाओ। उन्हें कहा जी आ रही आ। काफी देर गुजर रही, हजरत उमर जलाल आ गए, फरमाया यार रोटी नहीं लिया। ए गल है भूर बाले जनाब दही मुके ते लाहौरों कुंडे लैन आवे जनाब त्यारा ते कौम दियां बच्चियां खुदकुशी करन दरियाए राविश ते कौम दियां बच्चियां अस्परो दे पैरासिटामोल दियां गोलियां भी ना मिलन ते कहां अय्याश हुकमरान दे त्यारे जनाब दही लैन आवन, ये भी ना पता होवे कि मेरी रियाया विच कितने जुगी वाले हैं। वो तो गुजरदे बंदा पागल हो जाता है। खाली इस रोड तो बंदा जावे है जो बारो बार रोड बने हुए जुगी वाले पे उन्होंने नहीं मतलब जरासीम लगते, उन्होंने मिनरल वाटर किने पिलाने, उन्होंने रोजाना चैकअप किने करने, तुहानू जरासीम तो नहीं लग गए। जान दो ये रसूलुल्लाह का दीन ही आएगा तो फिर उम्र नू 36 पैबंद लगे होंगे। क्यों जी ते रियाया विच कोई भुखा नहीं सोएगा। हाँ जी ये उमर बिन अब्दुल अजीज ही आएगा आपकी औलाद चो कि जिदे होंदे 8 सूबे में जो जकात लैन वाला कोई नहीं सी। हाँ जी 8 सूबे जकात लैन वाला कोई नहीं सी, इस वास्ते कि उन्हें 60 लाख के सूट नहीं सन पाए, अपने खानदान में लैके यूरोप के दौरे नहीं सन कराए, बल्कि उन्हें दिया धीया भी प्याज ना रोटियां खादियां सन, जिन्हें दिया धीया दिया भी कौपड़िया हो जलो तो जुगी वाले ने किसी खबर लैनी। हाँ आओ वापस रसूलुल्लाह के दीन की तरफ, ये हजूर का दीन ही ने जो पाकिस्तान तब्दीली लिया सकता। हाँ जी ये हजूर का दीन ही है जो कश्मीर वापस लिया सकता, ये रसूलुल्लाह का दीन ही है जो बोसनिया बच्चियों के सिर के उत्ते हाथ रख सकता, ये हजूर का दीन ही है जो कश्मीर की रोंदियां बच्चियों मामू के गजनवी विखा सकता, ये दीन ही है जो शाम की रोंदियां बच्चियों सलाहुद्दीन अयूबी अता कर सकता। और कायनात कुछ भी कोई नहीं, वापस आओ हजूर।